Hello dear student, hope all of you are fine at home and regularly you guys are studying. So written test was good because question paper is quite easy as compared to the previous one. Previous one say B A wala question jyada hi easy tha. To us ek square root, ek proof, ek kya tha? Tumhara multiplicative inverse ka tha aur ek just कंजुगेट का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था कॉम्प्लेक्स का. सो लगभग मैक्सिमम लोगों ने 10 out of 10 मिला. इसे ये मत सोच लेना कि मुझे सब कुछ आ गया, नहीं आया, और भी पढ़ना है, ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं. करेंटली वी आर डिस्कसिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. व्हाट वी हैव डिस्कस टिल दैट, वो जो डबल एंगल का, वो जब साइन ऑफ सी प्लस डी वाला फार्मूला का क्वेश्चन किया था, उसके बाद जो 6x 4x उसका भी क्वेश्चन किया, साइन कॉस टेन का 6x भी निकाला. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया और थोड़ा बहुत तो लाइव क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ठीक है. अभी मैं सिखाऊंगा जिस जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसा निकालता है. ऑल्दो जनरल सॉल्यूशन इज डिलेटेड फ्रॉम योर क्लास 11 सिलेबस, तो इस सिचुएशन के वजह से जनरल सॉल्यूशन को हटा दिया गया. बट यू गाइस नीड समवेयर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट, कहीं पर भी चाहिए होगा, स्पेशली कोचिंग गाइस. सो तुम एलिमिनेट मत करो, मैं थोड़ा बहुत सिखा दूंगा. आई एम नॉट डिस्कस द ऑल थिंग्स, बट वील डिस्कस द फॉर्मूला और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जस्ट बोल दूंगा, ठीक है. क्वेश्चन कराऊंगा नहीं. सो पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. इसका तो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन. नाउ चेक हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सेकंड आउट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ए जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. मतलब तुम्हारा 0 से लेके 360 तक जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है. वह प्रिंसिपल होता है, वो वैल्यू भी तुम्हारा क्वाड्रेंट के एएसटीसी रोल के हिसाब से होगा. सपोज 10 का नेगेटिव है, उसके हिसाब से वो वैल्यू आ जाएगा. हम ए वाला सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन कैसे चेक किया जाता. सो ट्राई कर लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक दो क्वेश्चन. तुम्हारा बॉक्स थ्री एक्सरसाइज 3.4 क्या दिया हुआ है, 10x इक्वल टू √3 है पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, 10x इक्वल टू √3, बहुत ही आसान सा सवाल. 10x इक्वल टू √3, इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिखो 10x. 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, 1060 या 1030, मैं बताऊं. टेन ऑफ कितना लिखूंगा, 60, डेट इज पाई बाय 3. सो कंपेयरिंग दिस टू यू कैन राइट एक्स इक्वल टू पाई बाय 3. और एक वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू, 10 फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता है क्योंकि 10 √3 ये पॉजिटिव वैल्यू है. थर्ड क्वार्टर में ये भी एक वैल्यू आएगा, उसको तुम क्या लिख सकते हो, 10 ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3. यहाँ 10 चेंज नहीं होगा, ठीक है. ये वाला दैट इज 10 ऑफ क्या है, एलसीएम ले लो 4π/3. सो तुम्हारा एक्स का वैल्यू दिस पाई बाय 3 कोमा कितना आएगा, 4π/3. दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू. वी गॉट टू प्रिंसिपल्स वैल्यू, ठीक है.
और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, cot x इक्वल टू माइनस रूट, cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसको तुम tan x इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री लिख सकते हो। अब क्या है, यहाँ माइनस साइन है, इसको ध्यान देना है। कौन सा क्वाड्रेंट में tan या cot, tan लिख लिया मैंने इन टर्म्स ऑफ tan cot को, माइनस होता है। Which quadrant 10 will be negative? It will be in second or fourth. इन दोनों quadrant में क्या हो जाएगा, 10 negative हो जाएगा। तो देखो कौन सा quadrant में आ जाएगा, फिर से draw कर लेना। इसका होगा तुम्हारा second और fourth में, क्योंकि negative है, 10 वाला negative है। So 10x can be written as, यहाँ पर देखो 10 of पाई माइनस पाई बाई सिक्स होता है इसका, वन बाई रूट थ्री, टेन वन बाई रूट थ्री, टेन कितना का वैल्यू, वन बाई रूट थ्री आता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू वन बाई रूट थ्री आता है। सो हो गया पाई बाई सिक्स, और टेन ऑफ कितना आ जाएगा, टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, डेट इज टेन ऑफ कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स, और tan of 11 pi by 6, therefore x equal to 5 pi by 6 or 11 pi by 6, that is our final result, 5 pi by 6 or 11 pi by 6। सो आ गया, आसानी से हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, होमो कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसका क्या निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, फोर, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। उसके बाद तुम्हारा सेक एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर टू, sec x इक्वल टू टू, इसका भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। ट्राई दिस टू क्वेश्चंस एट होम, दिस टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। अब हम क्या देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल तो हो गया, जनरल देखेंगे। प्रिंसिपल इज डन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबका निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। जनरल सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है, सारा मतलब रोटेशन कंसीडर करना पड़ेगा, होल रोटेशन, जस्ट एक बार नहीं, इन्फिनिटी टाइम्स हो सकता है, उसको जनरली लिखना है। जनरली तो पता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन। और कॉम्प्लेक्स का होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, वो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ऐसे करके तुम लोगों को जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में कैसा होगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो, नंबर वन साइन थीटा इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाइज थीटा कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, प्रिंसिपल में कितना होना चाहिए, फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, ये सेकेंड क्वार्टर में आ सकते हैं, या फोर्थ में आ सकते हैं। जीरो मतलब थीटा का वैल्यू जीरो या पाई टू पाई, ये सब हो सकता है, जीरो पाई टू पाई, ऐसा नहीं कि थ्री पाई नहीं होगा, थ्री पाई भी हो सकता है, फोर पाई, ऐसे करके हो सकते हैं। इसको लिख सकते हो एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड, Z is what? Z is your integers. ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं general. इसी के लिए बोलते हैं इसको general solution. ठीक है, so theta equal to directly लिख सकते हो तुम,
इसे लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स। नंबर टू, साइन थीटा इक्वल टू जीरो होने से होता है, कोस थीटा इक्वल टू जीरो होने से क्या होगा? कोस थीटा इक्वल टू जीरो डेट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड। इसको भी सिमिलरली देखो, एक बार जीरो पुट कर दो, एन इक्वल टू जीरो पुट कर दो, कितना हो जाएगा? जीरो पुट करने से पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू में कॉस का वैल्यू जीरो होता है हमेशा, कॉस पाई बाय टू। उसके बाद एन इक्वल टू वन पुट कर दो, सो थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू में कॉस थीटा क्या होता है? जीरो होता है। सो इसको आसान तरीके से तुम आराम से कर सकते हो, अच्छे से देख लो एक बार। सो कॉस थीटा जीरो, ये हो गया। थर्ड वन आता है तुम्हारा टेन थीटा इक्वल टू जीरो, डेट इम्प्लाइज थीटा हो गया तुम्हारा एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। तीन तो सेम ही है, ये हो गया तीन जनरल सॉल्यूशन, तीन ही चाहिए, बाकी तो इसका रिसिप्रोकल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इफ आप देखो थर्ड हो गया, अब फोर्थ में इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जीरो नहीं है, कुछ और मिला है तुम्हारा थीटा का वैल्यू साइन अल्फा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इम्प्लाइज तब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। सिक्स टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, डेट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सपोज स्क्वायर में है तब ए वाला टर्म नहीं आएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिखने से हो जाएगा। सपोज ऐसा है, एक्स्ट्रा करके मैं दे रहा हूँ, स्क्वायर वाला रहेगा तब क्या होगा? सपोज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, डेट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इस सारे में यही सोल्यूशन होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर का भी सेम होगा, थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये सारे चीज हमको इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों का, ठीक है? सो इम्प्लीमेंट आसानी से हो जाएगा, कहीं पर भी दिख रहा है तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू हाफ, मतलब साइन ऑफ साइन कितना का वैल्यू हाफ होता है? साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो साइन ऑफ पाई बाय सिक्स पुट कर दो, सो अल्फा के वैल्यू पाई बाय सिक्स, तो यहाँ पाई बाय सिक्स पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ये सब क्या है? जनरल सॉल्यूशन का। तो कहीं पर भी फिजिक्स में या मैथ्स में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आराम से कर सकते हो। यही था तुम लोगों का प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। लगभग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म ही होगा, एक मिसेलेनियस बाकी है, वो हम देख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द मिसेलेनियस क्वेश्चंस, तो लाइव क्लास में भी डिस्कस करूँगा थोड़ा बहुत। उसके बाद एक्स्ट्रा करके कुछ है तुम्हारा साइन लॉ वगैरह, वो कोचिंग के लिए मैं सिखा दूंगा, ऐसे बोर्ड के लिए नहीं चाहिए। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज टिल द एंड।